नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है, तो ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, सब्जेक्ट वाइज आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, उसका मैं यहाँ पे आपको रफली आइडिया दूंगा। उसके अलावा आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, तो इन सब पॉइंट पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, तो इस बार जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। पेपर ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए, ओवरऑल अगर एग्ज़ाम को देखें, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो एवरेज रहा है। बहुत ज़्यादा हम इसे इजी भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो एवरेज है। और अगर मतलब चीज़ें देखी जाएँ, जो लास्ट ईयर जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था उसके कंपेरेटिव अगर देखा जाए, तो पेपर थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा है, तो कट ऑफ थोड़ी सी आपकी डाउन जा सकती है। बाकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है उसके बारे में अभी आंसर की आएगी, तो हमारे पास एक एक्चुअल डाटा होगा, तो उसके बेस पे हम अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी एक रफली जो आइडिया है वो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, तो मैथ्स जो थी वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, यानी कि पेपर का लेवल इसका अच्छा था। मतलब ऐसा था कि दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा अगर आप मेहनत मतलब उस पर काम करते तो चीज़ें हो पाती, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर दूसरे में आपका टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैथ्स जो थी वो कैलकुलेटिव थी। बाकी इंग्लिश की अगर बात की जाए, तो इंग्लिश जो 2022 में पेपर हुए हैं और 2023 में पेपर हुए हैं, उनमें इंग्लिश नॉर्मली ईजी आ रही थी। मतलब सेलेक्टिव वही चीज़ें थी जो पढ़ी हुई थी, प्रीवियस क्वेश्चन के बेस्ट पे आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। यानी कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था और उससे पहले जो पेपर हुआ था, उसमें इंग्लिश कंपेरेटिवली आपकी ईजी थी। लेकिन इस बार पेपर जो का लेवल है इंग्लिश का, वो भी थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ठाक आई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जीके जीएस की बात करें, तो जीके जीएस नॉर्मली जिस तरीके से एसएससी में आती है, वही सेम पैटर्न एसएससी में देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे गए हैं जीके जीएस में। उसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग जो आई है ओवरऑल वो इजी आई है। रीजनिंग करने लायक थी, वो सिंपल थी, ठीक है। तो ओवरऑल जो पेपर है वो आपका एवरेज रहा। बाकी चैनल पे मैंने पोल भी कराया था, आप देख सकते हैं, ये 12 घंटे पहले पोल कराया था। यहाँ पे मैंने पूछा था कि 2024 के एग्ज़ाम में सीएचएसएल में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो जाहिर सी बात थी, ये स्टूडेंट का डाटा है, और स्टूडेंट जब उनसे मतलब अटेम्प्ट वगैरह पूछे जाते हैं, मार्क्स पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट बढ़ा के बताते हैं। तो इस डाटा पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन रफली एक आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा। बाकी वही मैंने बताया, जब आंसर की आएगी तो एग्जैक्ट एनालिसिस हम लोग कर पाएंगे। बाकी अभी और डाटा हम कलेक्ट करेंगे, तो उसके बेसिस पे भी एनालिसिस किया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1800 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले 5% है, 50 से 60 अटैम्प्ट करने वाले 6% है, 60 से 70 अटैम्प्ट करने वाले 12% है, 70 से 80 अटैम्प्ट करने वाले 20% है, 80 प्लस अटैम्प्ट करने वाले 57%। यानी कि मैक्सिमम जो डाटा है वो आपका, आप देख सकते हैं, 77% जो डाटा है वो आपका 70 से 80 प्लस में आपका लाई करता है। और जाहिर सी बात है, अगर सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसी के रेंज में आपको एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम बात करें, अब बात कर लेते हैं आंसर की बात करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पर हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो सीएचएसएल सीजल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं, वो भी हम यहाँ पे अपग्रेड कर देंगे, वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा, एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं, तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें आंसर की आपकी कब तक आ सकती है, तो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं सीपीओ की भी आंसर की आई है। सीपीओ का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता होगा, 27 जून से लेकर के 29 जून तक आपका एग्ज़ाम चला था, और इसकी जो आंसर की है वो 5 जुलाई को आ गई थी। यानी कि विद इन 6 डेज यहाँ पे आंसर की यहाँ पे एसएससी ने रिलीज़ कर दी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि एसएससी आंसर की में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्स आपका एक वीक है, यानी कि 7 डेज आपके लग सकते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 तारीख को ओवर हुआ, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि 18 तारीख से पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे ही आंसर की आएगी, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगा। बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम का ये रफली आइडिया देने के लिए मैंने वीडियो बनाया।
तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को दर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।